आज हम बात कर रहे हैं दंड के सिद्धांत, यानी सजा किस आधार पर दी जाती है, किस बिहाफ पर एक गलत कृत्य करने वाले व्यक्ति को सजा का हकदार या भागी बनाया जा सकता है। कुल 5 प्रकार बताए। पहला निवारणात्मक सिद्धांत, अपराध की प्रकृति से अधिक दंड इसमें दिया जाता था, अर्थात अपराधी को भयभीत किया जाता था ताकि वो उसकी पुनरावृत्ति न करे। दूसरा था प्रतिकारात्मक सिद्धांत, बदले की भावना से दिया जाने वाला दंड, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हालांकि अभी इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा था प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, चौथा सुधारात्मक सिद्धांत और पांचवा प्रायश्चित का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत सुधारात्मक उद्देश्य को रखते हैं क्योंकि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा की गई है जहाँ पर अपराधी को उस बुराई से बचा करके ऐसी शिक्षा दी जाती है, उसे ऐसे उद्योग धंधे सिखाए जाते हैं कि वो बुराई की तरफ अग्रसर न हो। सो गाइस, कुल 5 प्रकार के दंड के सिद्धांत के अनुसार सजा दी जाती है।